जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 का जो है मेन जो टॉपिक है, मेन नहीं मतलब सभी टॉपिक्स जो है हम लोग सीरियल वाइज देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप उन बच्चों को शेयर करिएगा जिसे एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ठीक है? या अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और या करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम में या अगले साल से शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसको शेयर करिए, ठीक है? इसको शेयर करेंगे ताकि वो समझेगा। अगर उसको भी कोई डाउट होगा तो सीधे मुझे कॉल करके, ठीक है, या जो है मैसेज के थ्रू पूछ सकता है, कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल के नीचे जो है लिंक दिया गया है। समस्या, अब समस्या के बारे में, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनी जो क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थाई बंदोबस्त कराती है किसके समय में? तो कार्नवालिस के समय में, चार्ल्स कार्नवालिस के समय में स्थाई बंदोबस्त लेकर आती है। स्थाई बंदोबस्त में क्या करते हैं कि ये लोग जो है जमींदारों पर स्थाई कर देते हैं कि तुम्हें जो है मुझे 1,00,000 रुपये मंथली देना है, इस तरह का कुछ सिस्टम रहा है। लेकिन इसके बाद जो है वो जमींदार है उसमें जो है, अब देखिए क्या क्या करते हैं, उसी में समस्या क्या है, स्थाई बंदोबस्त की समस्या क्या है उसी देखेंगे। मगर स्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने तो बताया ना कि जो है ये लोग जमींदार लोग खर्चा नहीं करेंगे उस जमीन पर, जमीन में सुधार नहीं किए, ऐसा फिर हुआ ही, वही समस्या हो गई कि जमींदारों ने क्या किया कि जमीनों से उन किसानों से टैक्स तो वसूला, रेवेन्यू किया, रेवेन्यू करके उस कंपनी को 1,00,000 रुपये दिया मंथली, लेकिन उस खेती में सुधार नहीं किया, उस जमीन में सुधार नहीं किया जैसा कि कंपनी चाहती थी। कि जो है खेती में सुधार होगा, खेती में उपज होगी तो कंपनी को भी रेवेन्यू आसानी से मिल जाएगा और रेवेन्यू अधिक जनरेट होगा, समझ रहे हैं? तो समस्या क्या हुई, जमींदारों ने इनकी बात नहीं समझी, नहीं मानी और खेतों में सुधार नहीं किया। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था, आप समझिए कि वो जो कंपनी जो है ना क्या करती है, जो स्थाई किया था, जो बंदोबस्त किया था, यानी जो जमींदारों पर जो थौपा था कि जो है तुमको 1,00,000 रुपये मंथली देना है, वो इतना उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जो एक अमाउंट होगा, मैं इसमें दिया नहीं है तो मैं नहीं उसको रिवील नहीं कर रहा, ठीक है, 1,00,000 रुपये मत मानिएगा, लेकिन आप एग्जांपल की तरह मान सकते हैं कि वो रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि उस जो है जमींदार के द्वारा वो जो टैक्स है वही पे करना बहुत भारी पड़ रहा था। तो फिर वो खेतों में सुधार करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बच रहे थे, सुधार करेगा कहाँ से, तो उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, समझ रहे हैं? जो और जो इसमें कंपनी क्या करती थी कि जो जमींदार है अपने, अगर वो जो स्थाई बंदोबस्त के माध्यम से जो उसके पास जो रेवेन्यू जो दिया गया है कि तुमको मुझे देना है, वो नहीं देता था जमींदार, तो उसकी जो है जमींदारी छीन ली जाती थी, ठीक है। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनियाँ बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, बहुत सारे जो जमींदारियाँ नीलाम भी कर चुकी कि भाई तू ये जमींदारी ले ले यहाँ का और मुझे ये पैसे देना। तो बहुत लोग तैयार भी जाते थे, जो मारपीट करने वाले होंगे वो तैयार हो जाएंगे कि भाई मैं किसानों को मार कर भी आपको पैसा दे दूंगा। तो वैसे लोग जो है बहुत लोग पड़े रहते थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या होता है कि जो है 19वीं सदी की बात कर रहा है, मतलब बाद की बात कर रहा है, तो जमीन में सुधार होता है, किस वजह से होता है नहीं दिया है तो उसका सुधार होता है। उस सुधार में क्या होता है कि खेती का भी विस्तार होता है। अब खेती का विस्तार क्यों होता है, क्योंकि कीमत बढ़ गई थी, कीमत बढ़ने के बाद जो है सब लोग खेती पर ध्यान दिए और खेती पर ध्यान देने के बाद जो है अब कंपनी को फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी जो है स्थाई बंदोबस्त के माध्यम से रेवेन्यू जो है कंप्लीट कर चुका था, उसने जो एक निर्णय ले चुके थे कि हाँ मुझे इतना ही देना है, तो वो उससे अधिक उसको जमींदार लोग देंगे ही नहीं, तो उसको अधिक फायदा नहीं हुआ, ये चीज़ बता रहे हैं। अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी यहाँ तक भी जमींदार जो है क्या करते हैं तो अपने जो है उस जमीन में बदलाव नहीं करते हैं, यानी उसका जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद
दिखाई दे रहे थे। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल होना पड़ता था। ठीक है, यानी यह है कि इसमें अगर वो किसान बेलो मतलब किसान के बारे में दिया है इसमें कि किसान जो है, अगर किसान अपने टैक्स नहीं पे कर पाते हैं तो किसान की ज़मीनें भी ये लोग छीन लेते थे। कौन? वही जमींदार लोग जो लठैड़ जमींदार हैं। ठीक है, जो लठभाज जो जमींदार होते हैं ना, वो जमींदार। ठीक है, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रूर जमींदार भी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए महाल क्या होता है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का समूह होता था। यानी इस एक महालवारी व्यवस्था भी हम लोग को पढ़नी है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। अब कोलब्रुक कोई व्यक्ति होगा, उसका कथन क्या है? अब ये रैयत क्या है मैं बता देता हूँ। रैयत जो है, रैयत मींस होता है किसान। ठीक है, रैयत मींस क्या होता है? किसान होता है। रैयत मींस किसान होता है, याद रखेंगे आप लोग। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, समझ रहे हैं? वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूलते थे। अब कुछ ऐसे भी मुख्य किसान होते थे उसमें, हाई क्लास के, वो क्या करेंगे? खुद खेती नहीं करेंगे, मजदूरों से करवाएंगे। 1800 और उस और जो मतलब उसको किस तरह देते थे? पट्टे पर, यानी एक समय के लीज पर आप मान सकते हैं उसको देते थे और उसे टैक्स वसूलते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेकारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का भी जो है जीने को भी पूरा नहीं मिलता था तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। यानी उसमें किसानों की समस्या क्या थी कि उनको जो है एक तो उसमें सिस्टम बहुत बुरा हो चुका था, दूसरे वक्त में इनको जो है, अब सोचिए वो कैसे जो है किस हालात में वो जीते आ रहे हैं और आज भी आप जो है उनको शोषण का शिकार होते देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो लोग बेचारे देख रहे हैं खेती में काम कर रहे हैं, जहाँ उसको मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो हमारी सरकार को भी इन किसानों पर आज ध्यान देना चाहिए। और जय जवान जय किसान का नारा आप लोग को अच्छे से याद होगा, उसका मतलब आपसे बेहतर शायद मैं नहीं समझ पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखिए और जो है एक नई व्यवस्था को हम लोग नए दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।